वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। सो अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 9:30 और मैं ब्रेकफास्ट लेके बैठ चुकी हूँ। तो आज मेरा चीट डे है, इस वजह से मेरा कुछ इस तरीके का ब्रेकफास्ट है। सो मैं अभी ये कर लूँगी एंड उसके बाद आज मुझे करना है घर की डीप क्लीनिंग। मीन्स बहुत दिन से क्या है ना कि मैं हल्का फुल्का डस्टिंग कर देती हूँ बस, नहीं तो मैं सैटरडे संडे हमेशा घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, बट नहीं हो पा रही थी ड्यू टू कुछ रीज़न था, मतलब मैं बिजी थी तो इस वजह से नहीं हो रहा था, तो हल्का फुल्का डस्टिंग कर देती थी बस। सो आज मुझे अच्छे तरीके से पूरा घर का डीप क्लीनिंग करना है, तो मैं सोच रही हूँ पहले पेट पूजा कर लिया जाए उसके बाद शुरू होंगी। तो पता नहीं आज कितना हो पाएगा कितना नहीं, क्योंकि जब साफ़ सफाई करना शुरू करते हैं तो बहुत सारा गंदगी निकल जाता है और फिर साफ़ करते 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 टाइम हो जाती है। तो देखते हैं, आज मैं वैसे भी फ्री हूँ, आज मेरा वैसे कोई वर्कलोड नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, सो मैं आज होल डे फ्री हूँ। तो मैं सोची क्यों ना आज मैं पूरा घर को ठीक से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, मतलब नीचे वाले फ्लोर को ठीक से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर किसी दिन ऊपर वाले फ्लोर को करूँगी। सो अभी जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हैं, देन देखते हैं आगे क्या करते हैं, कौन सा जगह से पहले शुरू करते हैं, डिसाइड करना पड़ता है ना। तो इस वजह से मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट एंड मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं किस रूम से शुरू करूँ, क्योंकि सारे रूम में काम कुछ ज़्यादा ही है एंड बाहर का मौसम ठीक ठाक है, कह सकते हो एकदम ठीक ठाक, लेकिन गर्मी इतना है, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। सो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं लिविंग रूम को पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा उतना भी कोई काम नहीं है, बाकी रूम में ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोची कि इसको हल्का फुल्का जो डस्टिंग वगैरह करना होगा कर लूँगी एंड उसके बाद मम्मी पापा वाले रूम में जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने उस रूम पर कोई भी साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं की है, तो मुझे वहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत आगे भी बहुत सारे काम हैं, हो सकता है मैं आज किचन को कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इधर ही बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं शुरू करती हूँ जल्दी से। तो अभी मैं लिविंग रूम से स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा काम नहीं है, तो बस मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है, तो मैं जो भी काम है जो हल्का फुल्का डस्टिंग का है वो मैं कर लूँगी जल्दी से। एंड मैं वैसे वीक में हमेशा डीप क्लीनिंग करती हूँ हाउस की, बट बीच में मैंने बताया ना कि कुछ काम था तो नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ा गंदा है हो गया है, तो इस वजह से मैं कर रही हूँ। और आपको ना वीक में हमेशा घर को साफ़ सफाई करनी चाहिए, मतलब डीप क्लीनिंग करनी चाहिए हाउस की, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप घर की क्लीनिंग सही से नहीं करते हो, घर में ऑर्गेनाइज नहीं रखते हो, मैसी रहता है, इधर उधर फेंका रहता है सामान, तो अजीब सा फील लगता है, अजीब सा लगता है और एक अच्छा फील नहीं आती है। बट अगर वहीं पर आप अगर क्लीनिंग करके रखते हो और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो आपको एक अजीब सी वाइब्स आएगी, एक अच्छी वाइब्स आएगी, पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, फ्रेश लगेगा। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको हमेशा घर पे साफ़ सफाई करनी चाहिए और घर पे जो भी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज रखनी चाहिए। कभी कभी हम मैं तो आपको बता रही हूँ, बट कभी कभी पता है क्या होता है कि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ कहीं पे रह जाती है जबकि वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, तो ऐसा होता है। बट मैं बता रही हूँ कि ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें हमेशा हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। सो या तो मैं अभी जल्दी से साफ़ सफाई कर लूँगी। एंड हाँ, मैं आप लोगों को ना एक बात बताना चाह रही थी, अभी तो नवरात्रि आने ही वाला है, जस्ट कुछ दिन बाकी है, कह सकते हो अब वन वीक, तो वन वीक या कुछ दिन। सो हमें हम ना एक इंस्टाग्राम पे, अपने इंस्टाग्राम पे एक लुक बुक शेयर कर रहे हैं, दुर्गा पूजा लुक बुक। सो जो भी मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए, एंड क्योंकि मैं अपलोड करने वाली हूँ जो भी डेज आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, देखना ज़रूर, और जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं वो प्लीज़ फॉलो करें। मैं आपको स्क्रीन में भी मेरा आईडी दे दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ जाइए चेकआउट कीजिए। एंड हाँ, ये वाला साइड जो भी है ना, ये वाला जो भी कॉर्नर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये सब मैंने सही से साफ़ वगैरह कर लिया है। और जो इधर मम्मी वाले रूम में ना थोड़ा डस्टिंग करना बाकी था, क्योंकि
प्रीवियस जो मेरा वीक गया है वो उस वीक में मैंने कुछ किया नहीं है सही से, तो इस वजह से इस वाले रूम में थोड़ा सा गंदा ज़्यादा है, तो मुझे इसे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग करनी पड़ेगी, मतलब एक एक चीज़ को हटा के क्लीनिंग करनी पड़ेगी। सो या अभी मैं यहाँ पे ये जो पंखा है ना उसे साफ़ करूँगी, और पंखा में काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदा डस्ट बैठ गया था, इस वजह से ना पंखा थोड़ा स्लो चल रहा था, ठीक है, और इस वजह से मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसे साफ़ करने में जो मुझे दिक्कत हुई है ना मैं बता नहीं सकती, और यहाँ पे आंटी भी मेरी हेल्प कर रही है। एक्चुअली मम्मी भी बीच बीच में आ रही थी हेल्प करने, बट मम्मी को मैंने पहले ही मना कर दिया है कि नहीं भाई आप नहीं करोगे, क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है। मैंने बताया था आपको किसी वीडियो में कि मम्मी को क्या तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है उनको, क्या क्या नहीं, वो मैं किसी दिन एक पर्टिकुलरली उस पर वीडियो बना के मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि आप भी मेरी YouTube फैमिली है और आपको मैं अपना एक फैमिली जैसा मानती हूँ, इसलिए मुझे शेयर करना अच्छा लगता है आपसे कोई भी चीज़, सो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो अभी मुझे ये बहुत हेडेक लग रहा है कि इसे साफ़ कैसे करूँ, क्योंकि मेरे हाइट से ज़्यादा ऊंचा है और मेरी हाथ ठीक से पहुँच मतलब पहुँच रही थी ऐसा नहीं है, बट फिर भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी और कुछ नहीं, बट फिर भी फाइनली मैंने ठीक से अच्छे से क्लीन कर लिया है इसको। और उसके बाद जब मैंने फ़ैन चलाया ना और काफ़ी तेज़ चल रही थी क्योंकि वो डस्ट की वजह से सही से चल नहीं रही थी, सो या और अभी आंटी यहाँ पे बोली कि नहीं नहीं अब तुम मत कुछ करो, तो अभी आंटी यहाँ पे साफ़ कर रही है, तो जो भी पेपर वगैरह है ना जो एक्स्ट्रा पेपर जम जाता है तो वो पेपर को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। एंड फाइनली ये वाली रूम की मैं देखो आपको पूरा रूम की तो नहीं दिखा पा रही हूँ बट कुछ कुछ रूम की दिखा रही हूँ। सो फाइनली ये जो जगह है ना ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ठीक से रखूँ क्योंकि यहाँ पे डेली यूज़ होती है, मैं डेली तैयार होती हूँ, सो बट फिर भी नहीं ठीक से रख पा रही थी, और इतना गंदा मतलब इतना ज़्यादा गंदा था, मैं इधर उधर सामान रखी हुई थी, मम्मी डेली हमको बोलती थी अरे साफ़ करो यार बट नहीं हो पा रहा था। और बस अब फाइनली मैंने सोचा है कि नहीं भाई आज इसे क्लीन कर ही लेंगे, मार खाने से अच्छा नहीं, तो मैं पक्का आज अगर नहीं करती ना तो मम्मी जूता से मारती है हमको सच्ची। सो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और नीचे वाली जो सेल्फ है ना उसे मैं अच्छे से की हुई हूँ ऑर्गेनाइज, बट उसको भी हल्का मैं सोची हूँ कि अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। वैसे बहुत सारा सामान है जो इसमें नहीं अटता है तो वो मैं अलग जगह रखती हूँ, बट जो अटता है जो मुझे डेली लगता है तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। नीचे सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, मैं किसी दिन आपको ना इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर दूँगी क्योंकि इसमें मेरा जान बसता है। सो यस, और इसी से एक बात बोलती हूँ, मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद है, मतलब एक्सट्रीम ज़्यादा पसंद है, सो मेरे पास जो भी है इयररिंग्स का कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ जो भी मैंने कलेक्ट करके रखा है उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो या और यहाँ पे मम्मी थोड़ा मेरा हेल्प कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था और ठीक से मैं कोई मम्मी इसको साफ़ कर रही थी तो मैं यहाँ पे मिरर वगैरह को क्लीन कर रही थी। सो फाइनल मैंने इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, सो आप देख लो, आई होप कि अभी आपको पहले से ज़्यादा अभी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि अभी मैंने इसे क्लीन वगैरह करके रखा है। Oh, 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 oh,
सफाई का वो तो मैंने कर लिया है एंड मैं फ्रेश होके अब रेडी भी हो गई हूँ क्योंकि आज मेरा वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लगने वाला है. सो जो मेरा टाइमिंग था उस टाइम से मैं थोड़ी सी लेट हूँ, बट कोई नहीं, मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ. अब मैं निकलूँगी और थोड़ा मुझे काम भी है अपना कुछ, तो वो भी मैं करूँगी. सो मेरा आज टी शर्ट में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर है तो मैं सोची कि क्यों ना एक टी शर्ट वेयर कर लूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा. सो यस, एंड अभी मैं जाऊँगी, वैक्सीन लूँगी और पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता. एंड उसके बाद मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम है तो मम्मी भी जाएगी मेरे साथ एंड वो काम करके फिर घर आती हूँ. तो चलिए. घर पे एंड और मेरे जो भी क्लासेस वगैरह थे मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया है बिकॉज जो मुझे वैसा फील नहीं हो रहा था तो मैंने कर लिया क्योंकि एब्सेंट से अच्छा है क्लास कर लो. एंड क्योंकि अगर एब्सेंट करते हो आप तो बहुत कुछ छूट जाता है, उसे मेकअप करने के लिए ना बहुत टाइम लग जाती है. सो मेरा जो क्लासेस वगैरह था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है. एंड मैं ना जब मैं वैक्सीन लेने गई थी सेंटर पे तो उस टाइम में ना मैं इतनी ज़्यादा मतलब हड़बड़ा गई थी तो मैं ना वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई और वहाँ पर अलाउ नहीं था तो इस वजह से मैंने नहीं करा, वरना मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करती. एंड अभी तक तो मैं वैसा मुझे फील नहीं हो रहा, मतलब वो सेकेंड डोज वाला वैसा कुछ तो फील नहीं हो रहा है. अभी मैं ठीक ठाक हूँ, बस थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, पता नहीं हो सकता है 12 घंटे के बाद कुछ ऐसा असर हो, बट अभी तक तो मुझे ठीक ही लग रहा है. एंड अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, नहीं सॉरी 5:30 हो रहे हैं और मैं बाहर की व्यू दिखाती हूँ छत से, इतना अच्छा व्यू आ रहा है मैं बता नहीं सकती. मौसम अभी बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड बस होइए रही मम्मी, तो अभी छत पे जाएंगे और आपको मैं व्यू दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा व्यू है. और इसके बाद मैं मुझे वर्कआउट करना है क्योंकि मैंने आप लोगों को शेयर किया था ना, तो अभी मेरा कुछ ऐसा टाइप का रूटीन चल रहा है. सो मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद मुझे वर्कआउट करना है. तो मैं ये वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहती, सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले. एंड जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर. सो आपको वेदर दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और आपको कुछ दिख रहा है क्या, तो ध्यान से देखो ये माउंटेन वही नेपाल वाली माउंटेन है. सो बहुत ही सुंदर है, काश आप रियल में देख पाते. और जब भी वेदर क्लीन रहती है ना तो ये माउंटेन दिखती है हमारे छत से, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. और हमारे घर से मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ से नेपाल ज़्यादा दूर नहीं है, सो इस वजह से.